भूषण कुमार ने पहली बार साल 2004 में फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों के दौरान दिव्या खोसला को देखा था। इस फिल्म से दिव्या ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्म में उनके अपोजिट अक्षय कुमार थे। शूटिंग के दौरान ही दिव्या की मुलाकात भूषण कुमार से हुई थी। पहली ही मुलाकात में भूषण को दिव्या पसंद आ गई और उन्होंने चैट के जरिए उनसे बात शुरू की। दिव्या को लगता था कि भूषण कुमार बस उनके साथ मजे ले रहे हैं, इसलिए कुछ चैटिंग के बाद दिव्या ने जवाब देना बंद कर दिया था। फिर भूषण कुमार ने अपने कजिन अजय कपूर से मदद मांगी और उन्हें दिव्या के घर दिल्ली भेजा ताकि ये पता चल सके कि आखिर दिव्या जवाब क्यों नहीं दे रही है। जब दिव्या को इसके बारे में पता चला तो वो समझ गई कि भूषण उनको लेकर काफी गंभीर हैं। भूषण कुमार ने इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए दिव्या की फैमिली को अपनी बहन की शादी में आमंत्रित किया। फिर दिव्या से महज 21 साल की उम्र में भूषण ने 2005 में जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर में शादी रचाई। इस शादी से इस कपल का एक बेटा रूहान है। शादी के बाद दिव्या ने एक्टिंग करियर को अलविदा कह दिया। दिव्या आज एक सफल फिल्म निर्माता, निर्देशक, कोरियोग्राफर और एक्ट्रेस हैं।